हेलो दोस्तों, आज हम सभी यूनिट नंबर 1 से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर फिज़िकल एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, वेलनेस, रिक्रिएशन, एजेंसीज ऑफ स्पोर्ट्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज ऑफ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सभी जो भी टॉपिक्स हैं ये फर्स्ट यूनिट के अंदर हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीक फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। यूनान का जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है वो कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 पार्ट्स में ग्रीक की जो फिज़िकल एजुकेशन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है होमेरिक पीरियड, सेकंड स्पार्टा पीरियड, थर्ड अर्ली एथेंस पीरियड, फोर्थ लेटर एथेंस पीरियड, यानी पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल। होमेरिक पीरियड जो है वो 1200 से लेके 800 BCE तक होता है, और स्पार्टा पीरियड, स्पार्टा काल जो है वो 431 से लेके 404 BCE तक होता है, और अर्ली एथेंस पीरियड जो है वो 3000 ईयर्स पहले जो टाइम है उसका जितनी भी हिस्ट्री है या डेवलपमेंट ग्रीस के अंदर हुई वो उसके अंदर डिस्क्राइब होती है, और लेटर एथेंस पीरियड में उसके बाद की हिस्ट्री आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेस इन ग्रीस यूज टू ऑर्गेनाइज गेम्स इन ऑनर ऑफ गॉड्स एंड गॉडनेस। यूनान में किस जगह के लोग देवी देवताओं के सम्मान में खेलों का आयोजन करते हैं? ऑप्शन ए एथेंस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी डेल्फी, ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। तो यूनान जो है वहाँ पर प्राचीन समय से ही जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं या फिर खेलकूद है उन पर ज़्यादा वर्क किया गया था, और ज़्यादातर जो भी शारीरिक शिक्षा या खेलकूदों का इतिहास है वो यूनान से संबंधित है। प्राचीन समय से ही जैसे ओलंपिक गेम्स हैं, या इसके अलावा पीथियम गेम्स हैं, इस्थीमियन गेम्स हैं, निमियन गेम्स हैं, इस तरह के जितने भी गेम्स हैं वो यूनान से ही शुरू हुए थे, वहीं पर ये सभी खेल जो है प्राचीन समय में प्रसिद्ध थे। लेकिन ये सब खेल जो है सभी देवताओं के सम्मान में होते थे, जैसे ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो जियस देवता के सम्मान में किया जाता था। इसी तरह बाकी और जो खेल हैं, जैसे जो हीरा देवता थे, गोड थे, या फिर अपोलो गोड, एथेना गोड, इन सभी के सम्मान में एथेंस या फिर डेल्फी जैसी जगह जो है वो खेलों का आयोजन करवाती थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एंड सी बोथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू वेलनेस। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है या फिर स्टेटमेंट यानी कथन है वो वेलनेस से संबंधित है? ऑप्शन ए द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बींग इन गुड हेल्थ, ऑप्शन बी ह्यूमन्स डेवलप फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी इफेक्टिव लाइफस्टाइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो वेलनेस का मतलब होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति, यानी जिसको ना तो कोई डिसऑर्डर हो, ना कोई डिसेबिलिटी हो, किसी तरह की बीमारी व्यक्ति के अंदर ना हो, एक स्वस्थ शरीर जो है वो वेलनेस का एग्जाम्पल होता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अ गुड हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य होना वेलनेस से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी है ह्यूमन डेवलप्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स, मानव जो है वो हर तरह से विकसित हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, इमोशनली भी उसको डेवलप होना है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी है इफेक्टिव लाइफस्टाइल, यानी एक प्रभावित जीवन शैली। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा, अच्छे से वो जितने भी उसकी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ है वो एक्टिवनेस के साथ उनको करेगा, तो एक इफेक्टिव लाइफस्टाइल भी होगा, तो ये भी रिलेटेड है वेलनेस से, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ रिलेटेड टू पर हनरिक लिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पर हनरिक लिंग से रिलेटेड है? ऑप्शन ए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, ऑप्शन बी फादर ऑफ स्विडिश जिमनास्टिक्स, ऑप्शन सी फादर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पर हनरिक लिंग जो है उनको फादर ऑफ स्वीडिश जिमनास्टिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जिमनास्टिक्स
के डेवलपमेंट के लिए जो है जो भी डेली जिमनास्टिक ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, उनने एक अहम भूमिका निभाई, उस पर एक जो है कार्य किया। तो इनको फादर ऑफ स्वीडिश जिमनास्टिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, तो फ्रेडरिच जोन जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी है फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो बैरन डी कोबर्टिन जो है उनको IOC के फाउंडर कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का गठन प्यारे बैरन डी कोबर्टिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 6 बेसिक पार्ट्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के मुख्य जो 6 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए इट इज अ स्टडी ऑफ बेसिक आइडियाज, नॉलेज, राइट एंड रॉन्ग, रीजनिंग एंड वैल्यूज ऑफ थिंग्स। ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक एंड एस्थेटिक्स। ऑप्शन सी लॉजिक, ऑप्शन डी सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी ओनली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दर्शन शास्त्र जो है वो मुख्यतः शारीरिक शिक्षा को समझने के लिए 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है मेटाफिजिक्स यानी जो अध्यात्म शास्त्र है, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान शास्त्र, थर्ड है एक्सियोलॉजी यानी मूल्य शास्त्र, फोर्थ है एथिक्स यानी नीति शास्त्र, फिफ्थ है लॉजिक जिसको तर्क शास्त्र कहते हैं, और सिक्स्थ है एस्थेटिक्स जिसको सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है स्टडी ऑफ बेसिक आइडियाज़, यानी दर्शन शास्त्र के अंदर जो भी ज्ञान से संबंधित या फिर जो मानव के नैतिक और मूल्य आधार होते हैं उनके बारे में दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट ह्यूमनिज्म, इनमें से कौन सा वाक्य मानववाद से संबंधित है या मानववाद के लिए सही है। ऑप्शन ए इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन वैल्यूज एंड डिग्निटी, यानी मानव शास्त्र का मतलब है कि मानव के जो मूल्य हैं या मानव को केंद्र में रखना, जो भी मानववादी परिप्रेक्ष्य है उनको आधार बनाना। ऑप्शन बी है इट इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, यानी ये जो है ये एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस से संबंधित है। ऑप्शन सी है इट्स पर्पस इज हेल्पिंग पीपल लाइव वेल, अचीव पर्सनल ग्रोथ एट एक्स्ट्रा। तो मानववाद का जो संबंध है वो मानव को केंद्र में रखना है, यानी ह्यूमन सेंटर्ड ये फिलॉसफी है, और जितने भी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं मानव के जो मूल्य हैं उनको आधार बनाया जाता है मानववादी परिप्रेक्ष्य को, और मानव के जो भी स्थान है उसको सर्वप्रथम रखा जाता है। ऑप्शन सी है इट्स पर्पस इज़ हेल्पिंग पीपल लिव वेल, अचीव पर्सनल ग्रोथ, यानी जो एकाग्रत विकास है मानव का, आत्मविश्वास है या जो भी सार्वजनिक विकास है वो करना। तो ए और सी दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड सी बोथ इज करेक्ट। ऑप्शन बी है इट इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, तो जिसमें एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस को सेंटर्ड माना जाता है वो होता है व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्मन जिमनास्टिक्स बुक्स वॉज रिटन बाय, जर्मन जिमनास्टिक नाम की जो बुक थी वो किसने लिखी थी। ऑप्शन ए एडोल्फ स्पिज, ऑप्शन बी फ्रेडरिच लुडविंग जॉन, ऑप्शन सी सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन डी जॉन बर्नार्ड बेस्टो। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फ्रेडरिच लुडविंग जॉन। इन्होंने जो है जर्मनी के अंदर, इन्होंने 1816 के अंदर ये बुक लिखी जर्मन जिमनास्टिक, जिसके अंदर जो टर्न प्लेस जो है उसको एक्सप्लेन किया गया था, यानी जिमनाजियम जो होता है उसको पहले टर्न प्लेस के नाम से जाना जाता था, जो कि एक आयातकार मतलब उसका डिज़ाइन होता था, तो उसका क्या रोल है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, वो सब उस बुक के अंदर एक्सप्लेन था। और इन्होंने 1866 में ओल्ड जर्मन जिमनास्टिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो जो ऑप्शन ए है एडोल्फ स्पिज, इनका एम था फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग बनाना, और इसके अलावा इन्होंने भी 1933 में सिस्टम ऑफ जिमनास्टिक्स एंड प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फोर स्कूल्स के नाम से बुक लिखी थी।
ऑप्शन नंबर सी जो है सर दोराबजी टाटा, इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA जो है उसके फाउंडर सर दोराबजी टाटा को माना जाता है, जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे IOA के। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन बर्नार्ड बेस्टो, इन्होंने जर्मनी जो है उस जर्मनी के अंदर जिमनास्टिक्स या फिर फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है जर्मनी में, यानी जर्मनी के जो फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िकल एजुकेशन है वो जोहान बर्नार्ड हैं। और ये पहले डेनमार्क के अंदर एक फिज़िकल एजुकेशन के टीचर थे, जिसके बाद इन्होंने जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का विकास किया, उसमें जो है कुछ चेंजेस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड YMCA फाउंडेड। YMCA का मतलब है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1927। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1914 में तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज 1920 के अंदर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो फाउंडर है वो हैरी क्रॉनबक थे, जो कि जिन्होंने YMCA को स्थापित करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। और YMCA के जो फर्स्ट एजुकेटर थे वो थे डॉक्टर AG नॉरेन। और 1914 के अंदर जो हनुमान व्यायाम शाला प्रसारक मंडल था वो भारत का शारीरिक शिक्षा का पहला जो है संस्थान था। इसके अलावा 1948 में NCC की स्थापना हुई थी, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। 1927 के अंदर IOA की स्थापना हुई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनके संस्थापक किनको माना जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, ऑप्शन बी PM जोसेफ, ऑप्शन सी बैरन पियरेडी कोबर्टीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बैरन पियरेडी कोबर्टीन जो है इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों को दोबारा से शुरू करने के लिए। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी, इनको फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स माना जाता है, यानी भारत के अंदर जो पहले एशियाई खेलों को शुरू किया गया था 1951 के अंदर, उनकी जो स्थापना है या शुरुआत है वो GD सोंधी, गुरुदत्त सोंधी जी की देन मानी जाती है। और ये 1928, 1932 और 1936 में जो ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की टीम थी उसके मेजर रहे थे, और इनके एफर्ट से और रोल से ही एशियन गेम्स की शुरुआत हुई। इनको फादर ऑफ एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है PM जोसेफ। PM जोसेफ जो है इन्होंने फिज़िकल एजुकेशन स्टडी कंप्लीट की थी YMCA चेन्नई कॉलेज से, फिर इन्होंने LNIPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में इन्होंने एक संस्थापक के रूप में कार्य किया, यानी अपनी स्टडी YMCA से कंप्लीट करके LNIPE के अंदर इन्होंने संस्थापक की तरह काम किया था। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बैरन पियरेडी कोबर्टीन, जिन्होंने की मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की 23 जून 1894 में, और 1896 से लेके 1925 तक लगातार ये मतलब जो बैरन डी कोबर्टीन जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, जो कि 1896 से लेके 1925 तक प्रेसिडेंट रहे। तो 23 जून 1894 में जो मीटिंग हुई थी वो दोबारा से ओलंपिक खेलों को शुरू करवाने के लिए बैरन पियरेडी कोबर्टीन ने करवाई थी, और इन्हीं को मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का संस्थापक माना जाता है। और 1896 में एथेंस के अंदर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है मनोरंजन, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि मनोरंजन से संबंधित है? ऑप्शन ए इट हेल्प्स इन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्शन बी मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल, ऑप्शन सी गुड यूज ऑफ फ्री टाइम एंड मेंटेन्ड हेल्थ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।
तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि मनोरंजन का मतलब होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी एक सकारात्मक आत्मविश्वास जो है उसको डेवलप करना। ऑप्शन बी है मिनिमाइज स्ट्रेस लेवल, यानी जो भी व्यक्ति को चिंता है, थकावट है, उसको दूर करना। ऑप्शन सी है गुड यूज़ ऑफ फ्री टाइम एंड मेंटेन हेल्थ। अब कोई मनोरंजक जो भी रिक्रिएशन एक्टिविटी अगर करते हैं तो उससे हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहता है। मानसिक विकास और फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर रिक्रिएशन के बेस पर की जाती है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड, यानी खेल एवं युवा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1984। तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा 1961 में NSNIS यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला में है उसकी स्थापना हुई थी। 1957 के अंदर LNIPE ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर के अंदर है उसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी है 1984। तो जो 1984 है इसमें साई की स्थापना हुई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ये जो है अंडर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम जी मॉर्गन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। विलियम जी मॉर्गन जो है वो वॉलीबॉल खेल से संबंध रखते हैं। इन्होंने 1895 के अंदर, विलियम जी मॉर्गन ने 1895 के अंदर जब वॉलीबॉल को मिंटोनेट के नाम से जाना जाता था इसको शुरू किया, और इसको 1896 में वॉलीबॉल का नाम दिया गया, जिसके बाद इसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो बने। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल खेल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ। ऑप्शन बी है बैडमिंटन, बुक ऑफ बी फ्रॉट ने 1873 के अंदर। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है क्रिकेट, तो डब्ल्यू जी ग्रेस जो है वो फादर ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट स्टार्ट इन इंडिया। भारत के अंदर जो इंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये प्रतियोगिताएं कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1940-41 के अंदर भारत के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स की स्टार्टिंग हुई थी, मेंस टूर्नामेंट्स ओनली, सिर्फ पुरुषों के जो टूर्नामेंट्स हैं उनकी, जिसके अंदर भी सिर्फ जो एथलेटिक्स है या फिर जो मेजर गेम्स हैं जैसे हॉकी, टेनिस, इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स को इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन बी है 1925। तो 1925 के अंदर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट ऑप्शन है 1956। 1956 के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये ट्रॉफी जो यूनिवर्सिटीज़ की टीम होती है जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस प्ले करती है, जिस यूनिवर्सिटी की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते होते हैं, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस यूनिवर्सिटी का होता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी वर्ड्स आर यूज्ड इन द वर्ड इन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन शब्द जो है इसमें कितने वर्ड्स, सॉरी डिजिट्स जो हैं, कितने शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्ड्स आर यूज्ड इन द वर्ड इन रिक्रिएशन, मतलब जो रिक्रिएशन की जो स्पेलिंग है इसके अंदर कितने वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, और इसके अंदर 10 जो है वर्ड्स आते हैं, जैसे आर ई सी आर ई ए टी आई ओ एन, रिक्रिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी।
इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का आंसर होगा 17, एजुकेशन के अंदर वर्ड्स आते हैं 9 और एंटरटेनमेंट अगर पूछा जाए तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क, यानी डेनमार्क के अंदर जो शारीरिक शिक्षा की शुरुआत है वो किसने की थी। तो ऑप्शन ए है फ्रिज नेशगिल, ऑप्शन बी है कोपेनहेगन, ऑप्शन सी है एनसीईआरटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंच नेशगिल। इन्होंने जो है ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने डेनमार्क के अंदर आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी है कोपेनहेगन। ये जो है ये एक डेनमार्क के अंदर व्यायाम कक्षा का नाम है। ऑप्शन सी है एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि भारत सरकार द्वारा 1961 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और ये जो भी रिसर्च होती है शिक्षा के आधार पर जो भी प्रशिक्षण होता है उससे संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बाहरी रिक्रिएशन एक्टिविटी मनोरंजक क्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए वॉचिंग टीवी, प्लेइंग चेस एंड लूडो, ऑप्शन बी कुकिंग शॉपिंग एंड मोबाइल, ऑप्शन सी कॉम्पिटिशंस पार्टीज प्रोग्राम्स ड्रामाज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लिटरेसी एंड लैंग्वेज वर्कशॉप्स डांसिंग एंड सिंगिंग पार्टिसिपेशन एटेक्स्ट्रा। ऑप्शन डी जो कि हम चार दीवारी के अंदर करते हैं, जैसे घर में खाना बना लेना, बुक्स पढ़ लेना या फिर फ़ोन यूज़ कर लेना। इसके अलावा किसी को पोएम पढ़ना पसंद है, रिक्रिएशन यानी फ्री टाइम का प्रॉपर यूज़ करने के लिए और माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई भी काम करना होता है जिसमें जो इंसान है वो इंजॉय करता है। तो उसमें कुकिंग हो सकती है या फिर ड्रेसिंग शॉपिंग, ये सब होती है कि जो सेल्फ एस्टीम होती है, सिर्फ एक व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति उस चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन बाहरी जो एक्सटर्नल जो भी आउटडोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है, कोई भी प्रोग्राम है या फिर बर्थडे पार्टीज़ हैं, उन सभी के अंदर अदर जो ग्रुप्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी होता है। अगर कोई कंपटीशन है, पार्टी है या फिर कोई किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, तो उसके अंदर जो है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी होता है। तो इसका आंसर होगा सी, जो भी कंपटीशन पार्टीज प्रोग्राम्स में इंक्लूड होते हैं फ्री टाइम में, वो सभी जो हैं बाहर जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सब होती हैं ये, चाहे वो कोई खेल से संबंधित हो या फिर किसी कंपटीशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम्स वेयर नॉन एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, इनमें से किन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए SAF, ऑप्शन बी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऑप्शन सी एफ्रो एशियन गेम्स, ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, राष्ट्रमंडल खेल जो हैं, उनको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए जो है SAF गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, इनको जो है इनके अंदर जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो सभी पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलग से एक गवर्निंग बॉडी भी है जो कि साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल है, 1983 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी। जिस SAF गेम्स का जो मोटो है वो है पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, हर चार साल के बाद इनका आयोजन करवाया जाता है। ऑप्शन बी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 2018 के अंदर हुई थी और जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो 2018 में दिल्ली के अंदर हुए थे, 2019 में पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुए थे और 2020 के गुवाहाटी असम में, और 2021 के जो हैं वो हरियाणा में होने वाले हैं, कोविड की वजह से अभी तक नहीं हुए हैं। ऑप्शन सी है एफ्रो एशियन गेम्स, तो जो एफ्रो एशियन गेम्स हैं इनके अंदर एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जितनी कंट्रीज़ हैं वो सभी पार्टिसिपेट करती हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 2003 के अंदर, 24 अक्टूबर 2003 में। ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ गेम,
ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो इंडिया के अंदर करवाए गए थे न्यू दिल्ली में। इनकी शुरुआत 1930 से हुई थी, हैमिल्टन कनाडा के अंदर फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड किसने जीता था। ऑप्शन ए ओ एम नाम्बिनर, ऑप्शन बी बालचंद्र भास्कर भगवत, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी राजकुमार शर्मा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो पहला द्रोणाचार्य अवार्ड था वो ओ एम प्रकाश और बालचंद्र भास्कर भगवत इन दोनों ने 1985 के अंदर प्रथम जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो जीता था। 1985 में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाने लगा था, इसकी शुरुआत हुई थी। ये दिया जाता है उन ट्रेनर्स को, कोचिज को, मतलब प्रशिक्षकों को जो कि ओलंपिक या इंटरनेशनल पॉपुलर प्लेयर्स या टीम्स होती हैं उनको ट्रेंड करते हैं, इंडिया का नाम जो खिलाड़ी रोशन करते हैं उनके जो भी कोचेज हैं ट्रेनर्स हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है राजकुमार शर्मा, इनको 2016 के अंदर क्रिकेट खेल से संबंधित द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपीज दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट और एक सेरेमोनियल ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FIFA, FIFA की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए फुटबॉल इंटरनेशनल द एसोसिएशन, ऑप्शन बी फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एकेडमी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुटबॉल खेल की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, संगठन है, जिसकी शुरुआत 1904 के अंदर हुई थी। फुटबॉल जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। 1904 के अंदर FIFA फीफा की शुरुआत हुई, जिसके हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और उसके जो प्रेसिडेंट है वो है गिनी इन्फेंटिनो। फीफा का जो 2020 का फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड FIBA फाउंडेड, ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1909। FIBA की स्थापना कब हुई। FIBA का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल, इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर, इसके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। और 1951 सेकेंड ऑप्शन जो है, 1951 के अंदर इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना हुई थी। 1912 में इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन, इसके अलावा जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कुश्ती की जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है 1912 में उसकी भी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स संगठन जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF, इसकी स्थापना भी उनकी स्थापना भी 1912 में हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है 1909, तो 1909 के अंदर ICC की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गोल्फ स्पोर्ट्स, इनमें से कौन सा जो है गोल्फ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन ए ITTF, ऑप्शन बी ISSF, ऑप्शन सी IGF, ऑप्शन डी ISSF। ऑप्शन सी इज करेक्ट, IGF इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर है ल्यूसेने स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ऑप्शन ए है ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ऑप्शन बी है ISSF, यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 के अंदर। ऑप्शन डी है ISSF, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AKFI,
AKFI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ऑल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ कबड्डी एशिया, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 के अंदर और कबड्डी को ओलंपिक गेम्स के अंदर 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक्स थे उनके अंदर डेमोस्ट्रेट किया गया था पहली बार, सिर्फ डेमोस्ट्रेट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द 2022 एशियन गेम्स बी हेल्ड, 2022 के एशियन गेम कहाँ आयोजित होंगे? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. करेक्ट ऑप्शन इज बी चाइना. तो 2022 के जो एशियाई खेल हैं वो चाइना के अंदर होंगे, होनजुंगजू नाम की जगह पे. इसके अलावा ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान में 1974 के एशियाई खेल हुए थे और इंडिया में 1951 के, यानी जो फर्स्ट एशियन गेम्स हैं वो इंडिया के अंदर हुए थे. इसके अलावा 1982 दो बार भारत में अभी तक एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है, फर्स्ट 1951 में और सेकेंड टाइम 1982 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेडियम द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड, जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे उनको किस स्टेडियम के अंदर आयोजित करवाया गया था? ऑप्शन ए स्टॉकहोल्म ओलंपिया स्टेडियम, ऑप्शन बी ओलंपिक स्टेडियम, ऑप्शन सी लॉस एंजेलिस मेमोरियल कॉलिजम, ऑप्शन डी पैथेनेको. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पैनाथेनेको जो है ये एथेंस ग्रीस के अंदर 1896 के अंदर जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे वो आयोजित करवाए गए थे. ऑप्शन ए जो है स्टॉकहोल्म ओलंपिया स्टेडियम ये 1912 के ओलंपिक गेम्स इस स्टेडियम के अंदर हुए थे और ओलंपिक स्टेडियम के अंदर 1936 के समर ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था जो कि बर्लिन के अंदर हुआ था. नेक्स्ट ऑप्शन है लॉस एंजेलिस, 1932 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो लॉस एंजेलिस मेमोरियल कॉलिजियम नाम के स्टेडियम के अंदर करवाए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विद भारत रत्न अवार्ड, इनमें से किसको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन ए पीएम जोसेफ, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी पंडित हीरा लाल नाथ कुंजारू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए जो है पीएम जोसेफ, ये इनका पूरा नाम है पुथेन पुरियल मैथ्यू जोसेफ, जिनका जन्म केरला के अंदर हुआ था और इनको फाउंडर ऑफ नेशनल फिजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर कहा जाता है, ये उसके संस्थापक हैं और इनको 1964 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था जो कि फोर्थ ग्रेटेस्ट जो सिविलियन अवार्ड है भारत का वो है पद्मश्री अवार्ड जो कि इनको 1967 के अंदर मिला था. तो जो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न पुरस्कार, सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण और फोर्थ है पद्मश्री. तो ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर. तो सचिन तेंदुलकर को 1999 के अंदर पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2001 में महाराष्ट्र भूषण, 2008 में पद्म विभूषण और 2014 के अंदर भारत रत्न, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ये जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है और क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है पंडित हीरालाल नाथ कुंजारू. पंडित हृदयनाथ कुंजारू जो हैं ये भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल कमिश्नर रह चुके थे 1952 से लेकर 1957 तक. इनको नॉमिनेटेड किया गया था हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड के लिए 1968 में बट नहीं दे पाए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज़ एज इट्स एम द डेवलप ऑफ फिजिकली इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन्स थ्रू मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, यानी जो
शारीरिक शिक्षा है वो एक संपूर्ण शिक्षा का एक अंग है और इसका जो उद्देश्य है वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक, सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए एच सी बक, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी चार्ल्स ए ब्यूचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो ऑप्शन ए है एच सी बक ने YMCA कॉलेज की स्थापना की थी 1920 के अंदर मद्रास में, और इन्होंने अमेरिकन कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स कोच और फिजिकल एजुकेटर की तरह काम किया था। और एच सी बक को फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है इंडिया के, भारत में जो फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो हैरी क्रॉनबक को बोला जाता है। ऑप्शन बी है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी, 7 अप्रैल 1948। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO का एम है कि एक अच्छी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वर्ल्ड के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना, मेंटेन करना, प्रमोट करना। ऑप्शन सी है चार्ल्स ए ब्यूसर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिड 1970 द टर्म वेलनेस इज अडॉप्टेड बाय। वेलनेस टर्म जो है वो 1970 के मध्य किसने अडॉप्ट की थी? ऑप्शन ए हेल्बर्ट एल्डन, ऑप्शन बी जॉन ट्रेविस, ऑप्शन डी के डी जादव, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉन ट्रेविस। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।